देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में, कौन सी खबर रही सुर्खियों में। रैपिड टेस्ट से महासमुंद में 3 मजदूर मिले कोरोना पॉजिटिव। रैपिड टेस्ट किट की टेस्टिंग में महासमुंद के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये तीनों मजदूर ओडिशा से आए थे। तीनों के सैंपल को जाँच के लिए लैब भेजा गया। रिपोर्ट आने के बाद कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई। सैलून ब्यूटी पार्लर की दुकानें भी खुलेंगी। समय होगा सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने सैलून ब्यूटी पार्लर स्पा की दुकानों को खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अब इन व्यवसायियों के लिए एक अच्छी खबर है। सोमवार से शुक्रवार तक कटघोरा को छोड़कर सभी सैलून ब्यूटी पार्लर स्पा दुकान खोलने का आदेश जारी किया गया है। इनका समय सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक रखा गया है। अब शाम 5 बजे तक खुली रहेगी दुकानें, आदेश हुआ जारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर रायपुर जिले के नागरिकों को और अधिक सुविधा मिली है और यहां की आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे गति देने के उद्देश्य से कलेक्टर रायपुर ने सूचीबद्ध दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के बंद होने के समय में एकरूपता लाई है। अब कलेक्टर रायपुर द्वारा निर्धारित सूची के तहत निर्धारित दुकानें शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी। सीआरपीएफ जवानों को मिला 3 किलो का आईईडी बम। बीडीएस ने किया डिफ्यूज। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया है। दंतेवाड़ा जिले के सद्धर्तु लाल गुफा रोड में सीआरपीएफ जवानों ने 3 किलो का आईईडी बम बरामद किया है, जिसे बीडीएस टीम ने मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया है। 30 जून तक नहीं चलेगी रेगुलर ट्रेनें। रेलवे ने रद्द किए सभी टिकट। भारतीय रेलवे ने नियमित यात्री ट्रेनों में 30 जून को या उससे पहले यात्रा के लिए बुक किए गए सभी टिकट रद्द कर दिए। रेलवे ने कहा कि श्रमिक और विशेष ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा। 30 जून 2020 तक बुक किए गए सभी टिकटों का रिफंड यात्रियों को कर दिया जाएगा। हालांकि कहा जा रहा था कि रेलवे 22 मई से मेल, एक्सप्रेस और शताब्दी ट्रेनों का संचालन शुरू कर सकती है। अब जून के लिए सभी ट्रेनों के लिए बुक टिकट रद्द कर दिया गया है। कोरोना से देश में 24 घंटे में 134 मौतें, 3722 नए केस। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने को है, बावजूद इसके संक्रमण की रफ्तार धीमी नहीं हुई है। देश में कोरोना वायरस का आंकड़ा 78,000 पार कर गया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3722 नए मामले सामने आए हैं। कोविड-19 से 134 लोगों की मौत हुई है। मुजफ्फरनगर में मजदूरों की मौत पर अखिलेश यादव ने जताया दुख। अखिलेश ने इस घटना के बाद अपने ट्वीट में कहा, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर बस हादसे में प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक मौत पर गहरा दुख, श्रद्धांजलि। पहले ट्रेन और अब बस हादसा, मजदूरों की जिंदगी इतनी सस्ती क्यों? वंदे भारत मिशन में क्या देश की गरीब जनता नहीं आ सकती? इतना ऊपर भी उड़ना ठीक नहीं कि जमीन की सच्चाई की उपेक्षा हो जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने सहारनपुर मंडलायुक्त को दुर्घटना के कारणों की जाँच तथा इसके हादसे के दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि इस दुर्घटना से संबंधित बस के चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राहत पैकेज की दूसरी किस्त का ऐलान आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शाम 4 बजे करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम 4 बजे फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। बुधवार को मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का लेखा जोखा देने के क्रम में आज इसके दूसरी किस्त के ऐलान के लिए निर्मला सीतारमण आज फिर मीडिया से मुखातिब होंगी। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अगले कुछ दिनों तक उनकी टीम पीएम के दृष्टिकोण को सामने रखने और आर्थिक पैकेज पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए मीडिया के सामने आएगी। रविशंकर प्रसाद का बड़ा आरोप, कांग्रेस नेता ने नीरव मोदी के लिए लंदन में दी गवाही। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये मुंबई हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज है। इन्हें प्रशासनिक कार्यों के लिए रिटायरमेंट के 10 महीने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया था। रोचक बात है कि उन्होंने 13 जून 2018 को कांग्रेस की सदस्यता ली थी। ये 13 मई को मुंबई हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज है। इन्होंने नीरव मोदी के डिफेंस विटनेस के रूप में ये स्टैंड लिया है कि नीरव मोदी के खिलाफ कोई केस नहीं है, उनको बचाने की पूरी कोशिश की गई है। अमिताभ और आयुष्मान की फिल्म गुलाबो सिताबो को लेकर आई बड़ी खबर।
अमिताभ बच्चन ने इंस्टाग्राम पर लिखा है, एक इज्जतदार जनाब और उसके अनोखे किराएदार की कहानी। 12 जून को प्राइम वीडियो पर गुलाबे सिताबों का प्रीमियर आयुष्मान खुराना ने लिखा, एडवांस में आपको बुक कर रहे हैं। प्राइम वीडियो पर गुलाबे सिताबों का प्रीमियर 12 जुलाई को, आ जाना फिर फर्स्ट डे फर्स्ट स्ट्रीम करने। खेल रत्न के लिए शूटिंग से अंजुम और द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए जसपाल का नाम भेजा। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने खेल रत्न के लिए अंजुम मुदगिल का नाम खेल मंत्रालय को भेजा है। मुदगिल वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 2 पर है, जबकि द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए लगातार दूसरे साल जसपाल राणा के नाम की सिफारिश की है। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।